और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूपी बोर्ड का इंग्लिश प्रोज का फोर्थ चैप्टर द काइट मेकर। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर ये बुक अब तो चलती नहीं, लेकिन कुछ लोगों के स्कूल में अभी भी ये पुरानी बुक्स ही अप्लाई की गई हैं, तो जब तक अगर इस साल ये चलती है तो उनके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा एक टाइम इंटरवल पर, तो जो जिन लोगों में ये बुक चल रही है वो लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मीनिंग के बारे में, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और हर पैसेज की का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं इस लेसन में है क्या। यह लेसन जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड जो कि एक बहुत बड़े लेखक थे। इस लेसन में इन्होंने ये लिखा कि बताया गया है कि यह पाठ जो है वो समाज के मूल्यों में जो कमी हो रही है, मतलब किस तरह से लोगों की स्थिति घटती जा रही है, लोगों की सोच, तो इसमें ये बताया गया कि वो दिन चले गए अब जब सारे पैसे सम्मानजनक होते थे और जिनसे गुजर बसर हो जाया करती थी। लेकिन अब के समय में क्या है कि समाज में जिस तरह से प्रगति होने लगी है, लोग अपनी कमाई करने में, अपनी आजीविका कमाने में व्यस्त हो गए हैं, तो सामाजिक होने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। कहानी जो है ये एक महमूद जो कि भूतकाल का प्रतीक है, जबकि अली एक करेक्टर है वो आधुनिकता का प्रतीक है, दोनों के लिए परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इन महमूद की मृत्यु के साथ ही लेखक जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से मूल्यों के पतन हो जाने की घोषणा करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हैं इसकी। तो क्या है, एन एंशियंट बनियान विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबेंडेंट मॉस्क वॉज द ओनली ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ एंड लिटिल अलीज काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेस। देखते हैं इसमें मीनिंग के बारे में कौन कौन सी चीज़ मीनिंग आती है। एंशियंट, एंशियंट जो वर्ड आया इसका मतलब होता है ओल्ड यानी प्राचीन। उसके बाद वर्ड आया क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब होता है गैप्स यानी दरारें। बनियान जो होता है वो एक तरह का पेड़ है यानी बरगद का पेड़। और उसके बाद वर्ड आया अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को का प्रयोग ना होना या बाधित हो जाना यानी रिजेक्टेड। और मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। देखते हैं इतने की मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है कि एन एंशियंट बनियान ट्री, लेखक कहते हैं एक बरगद पुराना का पेड़ जो वीरान मस्जिद की दीवारों से उगा हुआ था, रामनाथ नामक गली का अकेला पेड़ था, और एक अली हैं, लिटिल एक छोटे से अली हैं, और उनकी पतंग जो है वो पेड़ की शाखाओं में उलझ गई थी। द बॉय बेयर फूट एंड क्लैड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट रन अलोंग द केबल्ड स्टोन्स कोबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट टू वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट नॉडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ दियर बैक कोर्टयार्ड। फिर मीनिंग देखो, जो ये वर्ड किया बेयर फूट, बेयर फूट का मतलब होता है विदाउट स्लीपर्स और शूज यानी नंगे पाव। बेयर फूट का मतलब होता है नंगे पाव। टॉर्न शर्ट यानी फटी हुई शर्ट। फिर वर्ड आया कॉबल्ड, कॉबल्ड का मतलब होता है पक्की सड़क यानी पार्ड विद कॉबल्स, पक्की सड़क जो ईंट पत्थर से बनी होती है। और उसके बाद वर्ड आया नॉडिंग, नॉडिंग वर्ड का मतलब, नॉडिंग का मीनिंग होती है टर्निंग हेड यानी सिर हिलाना। तो देखते हैं क्या कहते हैं इसमें लेखक कि लड़का नंगे पैर तथा एक फटी कमीज पहनकर पतली गली के पत्थरों से चलता हुआ पीछे के आंगन की ओर भागा जहां उसके दादाजी धूप में बैठे दिन के स्वप्न में खोए हुए थे। यानी जो डे ड्रीम होता है, डे ड्रीमली, ये ड्रीमली वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है कि वो अपने दिन के स्वप्न में खोए हुए थे। फिर वो चिल्लाता है, ग्रैंड फादर शाउटेड द बॉय, तो लड़का चिल्लाता है दादाजी द काइट हैज़ गॉन, कि पतंग चली गई। द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विद अ स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड डिस्प्लेड अ बियर्ड विच वुड हैव बीन वाइट हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स। देखते हैं यहाँ पर क्या, रेस्ट का मतलब होता है उठाना, डे ड्रीम का मतलब होता है दिवा स्वप्न, और रेस्ट का मतलब होता है उठाना, राइजिंग का मतलब उठाना, सिर उठाना।
बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और उसके बाद आया डाइट, डाइट का मतलब रंगा हुआ, और मेहंदी लीव्स यानी मेहंदी की पत्तियाँ। तो देखते हैं क्या होता है कि ये कहते हैं द ओल्ड मैन वोक अप फ्रॉम, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने दिवा स्वप्न से जागा और अपना सिर उठाया जिससे उसकी दाढ़ी दिखाई दी जो सफ़ेद होती अगर उसने मेहंदी के पत्तों से लाल नहीं रंगा होता। अगर उसने मेहंदी के पत्तों से रंगा नहीं होता तो उसकी दाढ़ी कैसी दिखती, सफ़ेद दिखती। फिर देखते हैं डिड द ट्विन ब्रेक ही आस्क्ड, आई नो दैट काइट ट्विन इज नॉट वॉट इज यूज्ड टू बी, नो ग्रैंडफादर द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री। क्या कहते हैं कि क्या डोर टूट गई, डिड द ट्विन ब्रेक, ट्विन का मतलब होता है गांठ यानी मुड़े हुए धागे जो पतंग में प्रयोग होते हैं उसे ट्विन बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ काइट विच इज ट्विस्टेड यानी जो उलझ जाती, जो लोग पतंग उड़ाते हैं सर्दी या मांझा जो भी होता है उससे वो उलझ जाती है, तो उसने डिड द ट्विन ब्रेक, अब इसने कहा क्या डोर टूट गई, ही आसू उसने पूछा, आई नो दैट काइट ट्विन इज नॉट वॉट इज यूज टू बी, मुझे पता है कि अब पतंग की डोर पहले जैसी नहीं रह गई है, नो ग्रैंडफादर द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री। तो अली बोलता नहीं दादाजी पतंग जो है बरगद के पेड़ में उलझ गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, द ओल्ड मैन चकल्ड, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, दैट्स द पिटी ऑफ इट, बट यू शैल हैव अनदर। He had just finished making a new kite from bamboo, paper and thin skin and it lay in the sun firming up. क्या कहते हैं कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति जो है वो धीरे से हंसा, चकल्ड का मतलब होता है धीरे से हंसना, the old man chuckled, बूढ़ा व्यक्ति धीरे से हंसा और क्या बोला, you have yet to learn how to fly a kite properly my child, उसने कहा मेरे बच्चे तुम्हें अभी पतंग को ढंग से उड़ाना सीखना होगा, एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम्हें सिखा नहीं सकता। यहाँ पर देख लीजिए टू ओल्ड टू टीच यू, टू ओल्ड का मतलब हो गया ये टू का जोड़ा, टी डबल ओ टू का जोड़ा टू होता है, ये ग्रामर मैंने टू रिमूवल ऑफ टू पढ़ाया, ये देखिए ऊपर ये लिंक आ गई है रिमूवल ऑफ टू की, ये पढ़ लीजिएगा, ये आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो यार टू ओल्ड, इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि टू टीच यू, कि तुम्हें सिखा नहीं सकता, दैट द पिटी ऑफ इट, दैट द पिटी ऑफ इट, यह कितनी दयनीय बात है या कितनी दर्दनाक बात है, बट यू शैल हैव अनदर, पर तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk and it lay in the sun firming up. उन्होंने कुछ देर पहले ही बांस, कागज, पतली रेशम की एक पतंग बनाई थी जो बाहर धूप में रखी थी, रखी सूख रही थी। It was a pale pink kite with a small green tail. ये क्या था, ये एक हल्की गुलाबी रंग की पतंग थी जिसे हरे रंग की, जिसमें हरे रंग की छोटी पूंछ थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, तो उस बूढ़े आदमी ने अली के हाथ में थमाया, उस पतंग के बारे में बात हो रही है। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हॉलोड आउट चीक। फिर क्या हुआ कि जब पतंग अली को मिल गई तो उसने क्या किया कि लड़का अपने पंजों पर उठा तथा उसने अपने दादाजी के गहरे धंसे हुए गालों को चूम लिया। फिर क्या कहा, आई विल नॉट लूज इट दिस वन, आई विल नॉट लूज दिस वन ही सैड, दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, उसने कहा मैं इसे नहीं खोऊंगा, या पतंग चिड़िया के जैसे उड़ेगी। एंड ही टर्नड ऑन हिज हील्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और वह अपने पंजों पर मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। फिर द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, फिर क्या हुआ, तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो फिर से अपने धूप में अपने सपने में, दिन के सपने में खो गया। फिर क्या हुआ, हिज काइट शॉप हैड गॉन, उसकी जो पतंग की दुकान थी वो बंद हो गई थी। द प्राइमिसेस, प्राइमिसेस का मतलब होता है चार दीवारी, या फिर ये कहें कि जो उस समय का वातावरण था
या हैविंग बीन सोल्ड मैनी ईयर्स एगो टू अ जंक डीलर। कई साल पहले जो बंद हो गई थी तो सामान जो थे उनके वो कई साल पहले एक कबाड़ी को बेच दिया गया था। बट लेकिन ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड एज प्ले थिंग्स ऑफ हिज ग्रैंडसन। लेकिन वह अभी भी अपने मनोरंजन तथा अपने पोते अली के लिए के खिलौने के लिए पतंग बनाता था। अम्यूजमेंट का मतलब वो था मनोरंजन। अली नॉट मैनी पीपल बॉट काइट। अब यहाँ देखो नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज। अब के दिनों में इस समय अब बहुत से लोग पतंग जो है वो नहीं खरीदते, ज़्यादा लोग पतंग नहीं खरीदते हैं। एडल्ट्स डिस्डेन देम एंड चिल्ड्रेन प्रिफर टू स्पेंड दियर मनी एट द मूवीज। वयस्क जो होते हैं वो उसे घृणा करते हैं। डिस्डेंट का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करते हैं। और बच्चे जो हैं वो अपने पैसों को फिल्मों पर खर्च करना चाहते हैं। मोर एवर देयर वर फ्यू ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स। इसके अतिरिक्त पतंग उड़ाने के लिए अब खुली जगह भी कम बची है। द सिटी हैड स्वेलोड अप द ग्रीन मैदान विच हैड स्ट्रेच फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स टू द रिवर बैंक। शहर ने उस हरे मैदान को निगल लिया जो पुराने किले की दीवार से नदी के किनारे तक फैला हुआ था। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन्स अप फ्लू काइट्स फ्रॉम द मैदान एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट द काइट्स स्वेरिंग एंड स्वूपिंग इन द स्काई। देख लेते हैं ये जो वर्ड यूज हुआ कौन कौन सा। बैटल्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ। फिर स्वर्विंग वर्ड यूज हुआ मूविंग दिस एट दैट वे, यानी इठलाना या उधर उधर घूमना। और स्वूपिंग इसका मतलब कमिंग डाउनवर्ड्स विद द फोर्स, यानी लहराती हुई गति से नीचे आना। देखते हैं क्या होती है पूरे की मीनिंग कि लेकिन जो बूढ़ा आदमी था, बट द ओल्ड मैन रिमेंबर, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसको समय को याद कर रहा था। जब ग्रोन अप फ्लूज क्या था, जब ग्रोन अप फ्लूज काइट फ्रॉम द मैदान एंड ग्रेट बैटल वर फॉर द काइट स्वर्विंग एंड स्वूपिंग इन द स्काई टैंगलिंग विद ईच अदर अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज कट। टैंगलिंग का मतलब होता है क्रॉस, यानी उलझा हुआ, और स्ट्रिंग का मतलब हो जाता है डोर या धागा। तो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या करता था कि उस समय को याद कर रहा था जब बड़े लोग मैदान में पतंग उड़ाते थे तथा महान लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। पतंग आसमान में इठलाती तथा लहराती थी एक दूसरे से उलझते हुए, और तब तक उड़ती जब तक एक दूसरे की डोर ना कट जाती। देन द बीटन लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे into the blue unknown. There was a good deal of betting and money frequently changed hands. और इस पतंग जो है चली जाती, परंतु फिर भी हारी हुई आजाद पतंग नीले आसमान में तैरते हुए खो जाती थी। इस पर बहुत सी शर्त लगती थी तथा पैसा लगातार ही हाथों को बदलता रहता था, यानी कि हर बार एक नया विजेता होता था। आगे देखते हैं। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग। उस समय पतंगबाजी राजाओं का खेल था। द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक विद हिज रेटिन्यू टू ज्वाइन इन दिस नोबल पास टाइम। इन दोज डेज देयर वॉज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आर विद अ गाय डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। नाउ एवरी वन हरीड इन अ हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडर फूट। देखते हैं कि वर्ड यू आर रेटिन्यू, इसका मतलब होता है कि परिचारक वर्ग, यानी नौकर चाकर जो होते हैं वो, और डेलिकेट वर्ड हुआ इसका मतलब होता है नाजुक या कोमल।
डेलिकेट का मतलब हुआ नाजुक या कोमल, और उसके बाद आया ट्रैम्पल्ड, जो ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है ट्रॉडन अंडर यानी कुचल दिया गया। अब देखते हैं भैया इस पूरे की मीनिंग क्या हो सकती है, कि अब इस पूरे का देखते हैं द काइट फ्लाइंग से लेकर यहाँ तक। तो उस समय जो पतंगबाजी थी वो राजाओं का खेल था, उस वृद्ध व्यक्ति को याद था कि किस प्रकार नवाब अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे आते थे तथा इस उत्कृष्ट मनोरंजन में भाग लेते थे। उस समय लोगों के पास इस खुशहाल तथा नाचते हुए कागज के इस टुकड़े के साथ एक घंटा व्यतीत करने का समय होता था। अब हर कोई जल्दी में है, उम्मीद से भरी जल्दबाजी में है तथा छोटी कोमल चीज़ें जैसे कि पतंग तथा दिवा स्वप्न, जो दिन में देखे जाने वाले स्वप्न हैं, वो पैरों के तले कुचल दिए गए। ट्रैम्पल अंडर फुट यानी पैरों के तले कुचल दिए गए। फिर देखते हैं महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के आरंभ में पतंग बनाने वाला महमूद पूरे शहर में मशहूर था। सम ऑफ हिज मोर एलोवरेट काइट्स सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 rupees। बड़ी बड़ी पतंगे 3 or 4 rupees में बिका करती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट। एक बार नवाब की विनती पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी जो पूरे जिले में दिखने वाली किसी भी पतंग से बिल्कुल अलग थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क टेलिंग ऑन अ थिन बंबू फ्रेम। पतंग में क्या क्या था कि पतंग में इसमें छोटे से हल्के कागज की तस्तरियां थीं जो पतले से बांस के ढांचे से लटक रही थीं। और क्या था इसमें, टू द स्टेमली ऑफ ईच डिस्क ही टाइड अ स्प्रिग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस। और प्रत्येक तस्तरी के किनारे पर उन्होंने घास का एक टुकड़ा जो है वो बैलेंस बनाने के लिए बांध दिया था, संतुलन बनाने के लिए बांध दिया था। फिर द सरफेस ऑफ द फोर मोर डिस्क वॉज स्लाइटली कन्वेक्स एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट विद द टू आईज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स। और क्या था कि सबसे आगे की तस्तरी की सतह उभरी हुई थी यानी उत्तल थी, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल थी। इस पर एक सुंदर सा चेहरा बना हुआ था जिसकी दो आँखें छोटे से आईने के टुकड़े से बनी हुई थी, और तस्तरियों का आकार जो था वो कैसा था, द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ क्राउलिंग सरपेंट। और जो इसका आकार था वो सिर से पूंछ की ओर घटता जा रहा था और इससे उसे रेंगते हुए सांप का आकार मिल गया था, क्राउलिंग सरमेंट यानी रेंगते हुए सांप की तरह। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट। इस भारी रचना को जमीन के ऊपर उठाने के लिए कुशल हुनर की जरूरत थी जो केवल महमूद ही से संभाल सकते थे। तो इसमें जो वर्ड मीनिंग आई वो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, एलोबरेट, एलोबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का किनारा, स्प्रिक का मतलब होता है छोटा सा या मुलायम सा घास का टुकड़ा, और स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, क्राउलिंग का मतलब रेंगना, सरपेंट का मतलब सांप या रेंगने वाले जीव, और कम्बरसम का मतलब होता है भारी। तो ये था इस पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। आगे देखते हैं, एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हियर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड बिल्ट एंड वर्ल्ड वेंट अराउंड दैट इज पोसेस्ड सुपरनेचुरल पावर्स। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब। At the first attempt, it did not budge from the ground. The disc made a plaintive protesting sound and the sun was trapped in the little mirrors, making the kite of living complaining creature. ये word use हुआ budge. Budge का मतलब होता है मूव यानी हिलना डुलना। फिर word आया
प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब होता है निराशा भरा यानी एक्सप्रेसिंग सॉरो। फिर होता है प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है अपोस्ट यानी विरोध प्रकट करना। और उसके बाद वर्ड यूज हुआ ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है टेंगल्ड या उलझा हुआ। अब देख लेते हैं इस पूरी मीनिंग की। एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हियर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट, हर किसी ने महमूद द्वारा बनाई गई उस विशाल पतंग के बारे में सुना था और यह खबर फैल गई थी कि इसमें अलौकिक शक्तियां भी थीं। तो नवाब की उपस्थिति में एक भारी भीड़ मैदान के में इस पतंग की पहली उड़ान देखने के लिए जमा हो गई थी। फिर एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड, जो पहला प्रयास था उसमें यह जमीन से हिली भी नहीं थी। तस्तरियों ने एक निराशा भरी तथा एक विरोधात्मक आवाज निकाली। यहाँ पर देखिए कि द डेस्क मेड अ प्लेंटी प्रोटेस्टिंग साउंड एंड द सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स मेकिंग द काइट ऑफ लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर। कि यहाँ पर तस्तरियों ने एक निराशा भरी एक विरोधात्मक आवाज़ निकाली तथा सूर्य की रोशनी इसके छोटे छोटे आईने में आ गई, जिससे कि पतंग सजीव तथा शिकायत करती हुई एक जीव सी प्रतीत हुई। क्लियर है बात? फिर देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन एंड द ड्रैगन काइट सोल्ड इन टू द स्काई। अब यह वर्ड यूज हुआ सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है फ्लाइट यानी उड़ गई ना, फ्लाइट इसका मतलब होता है उड़ जाना। सोल्ड का मतलब, सोल्ड का मतलब उड़ जाना। रिंगलिंग, रिंगलिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग यानी मुड़ना या अटना। रिंगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग ऑन इट्स डेविल आइज। When it went very high, it pulled fiercely on the twine, and Mahmood's young son had to help him with the reel. But still, the kite pulled, determined to be free, to live a life of its own. तब क्या हुआ? तब सही दिशा से हवा आई और जो बड़ी विशाल पतंग को वह आसमान में ऊंचा और ऊंचा मुड़ते हुए ऊपर ले गई। और जो सूर्य की चमक इनकी आंखों में अभी भी बनी हुई थी, जब यह बहुत ऊंची चली गई तो इसने डोर को बहुत ताकत के साथ खींचा और जो महमूद थे और उनके जो पोते थे, युवा पुत्र को महमूद की चरखी पकड़ने में उनकी मदद करनी पड़ी थी, परंतु पतंग जो थी वो खिसती चली गई। बट स्टिल द काइट पुल्ड, लेकिन पतंग खिसती चली गई। डिटरमाइंड टू बी फ्री, मानो कि उसने स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया। डिटरमाइंड का मतलब निश्चय कर लिया। टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, और यह निश्चय कर लिया हो कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीना चाहती है। क्लियर है बात? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पूरा क्या मतलब था, कि इतनी कहानी का हम देख लेते हैं। इतनी कहानी में क्या क्या हुआ? इतनी कहानी में ये हुआ कि एक पुराना बरगद का पेड़ जो कि वीरान मस्जिद की दरारों में उगा हुआ था और रामनाथ गली का एक अकेला पेड़ था, और छोटे से अली की पतंग इस पेड़ की शाखाओं में उलझ गई थी। लड़का नंगे पैर तथा एक फटी कमीज पहनकर पतली गली के पत्थरों से चलता हुआ पीछे के आंगन की ओर भागा, जहां उसके दादाजी धूप में बैठे दिन के सपने में खोए हुए थे। यानी जो सोए ना और वैसे ही बैठ कर ही कुछ सोचते रहे पुरानी चीज़ें। दादाजी, लड़का चिल्लाया, दादाजी पतंग चली गई। बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने दिवा सपने से जागा और अपना सिर उठाया, जिससे कि उनकी दाढ़ी दिखाई दी जो सफ़ेद होती अगर उसने मेहंदी के पत्तों से उन्हें लाल नहीं रंगा होता। क्या डोर टूट गई? दादाजी ने पूछा। क्या डोर टूट गई? मुझे पता है कि अब पतंग की डोर पहले जैसी नहीं रह गई है। तो अली बोला, नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ से उछल गई है, बरगद के पेड़ से उलझ गई है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से हंसा और बोला, मेरे बच्चे, तुम्हें अभी पतंग को ढंग से उड़ाना सीखना होगा, और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह कितनी दयनीय बात है, पर तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। उसने कुछ देर पहले ही बांस, कागज, पतली रेशम से एक पतंग बनाई थी जो बाहर धूप में सूख रही थी। यह हल्की गुलाबी रंग की पतंग थी जिसकी हरे रंग की छोटी सी पूंछ थी। वृद्ध व्यक्ति ने, उस बूढ़े आदमी ने इसे अली को दे दिया।
और जो लड़का था वो अपने पंजे को उठाकर उसे अपने दादाजी के गहरे धसे हुए गालों को चूम लिया और उसने कहा मैं इसे नहीं खोऊंगा, या पतंग चिड़िया के जैसे उड़ेगी। और वह अपने पंजों पर मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। फिर बूढ़े व्यक्ति जो था वही धूप के दिवा सपने में खोया रहा। उसके पतंग की दुकान बंद हो गई थी तथा सामान कई साल पहले एक कबाड़ी को बेच दिया गया था, परंतु अभी भी अपने मनोरंजन तथा अपने पोते अली के खिलौने के लिए पतंग बनाता था। बहुत से लोग थे जो अब पतंग नहीं खरीदते थे, और जो युवा लोग थे, वयस्क लोग थे, वो घृणा करते थे, और जो बच्चे थे वो ज़्यादातर पैसे अब फिल्मों पर खर्च करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त पतंग उड़ाने के लिए अब खुली जगह भी कम बची है। शहर ने उस हरे भरे मैदान को निकल लिया, यानी शहर बनते चले गए और मैदान ख़त्म होते चले गए जो पुराने किले की दीवार के नदी के किनारे तक फैला हुआ था। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस समय को याद कर रहा था जब बड़े लोग मैदान में पतंग उड़ाते थे तथा महान लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पतंग आसमान में इटलाती तथा लहराती थी, एक दूसरे से उलझते हुए तब तक लड़ती थी जब तक कि एक की डोर न कट जाए, परंतु फिर भी हारी हुई आज़ाद पतंग नीले आसमान में तैरते हुए खो जाती थी। इस पर बहुत सी शर्त लगती थी तथा पैसा लगातार ही हाथों को बदलता रहता था, यानी हर बार एक नया विजेता होता था। उस समय जो पतंगबाजी का खेल था वो राजाओं का खेल था। वृद्ध व्यक्ति को यह याद था कि किस प्रकार नवाब अपने नौकरों के साथ नदी के किनारे आते थे तथा इस बेहतरीन मनोरंजन में भाग लेते थे। उस समय लोगों के पास इस खुशहाल तथा नाचते हुए कागज के इस टुकड़े के साथ एक घंटा व्यतीत करने का समय होता था। अब हर कोई जल्दी में है, उम्मीद से भरी जल्दबाजी में है तथा छोटी कोमल जैसी चीज़ें जैसे कि पतंग और दीवा स्वप्न जो है वो पैरों के तले कुचल दिए गए हैं। अपने जीवन में के आरंभ में पतंग बनाने वाला जो महमूद था वो पूरे शहर में मशहूर था। उसकी बड़ी बड़ी पतंगें 3 या 4 रुपए में बिका करती थीं। एक बार नवाब की विनती पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी जो पूरे जिले में दिखने वाली किसी भी पतंग से बिल्कुल भिन्न थी। इसमें छोटे छोटे हल्के कागज की तस्तरियां थीं जो पहले पास के ढांचे से लटक रही थीं। प्रत्येक तस्तरी के किनारे पर उसने घास का एक टुकड़ा संतुलन बनाने के लिए बांध दिया था। सबसे आगे की तस्तरी की सतह उत्तल थी तथा इस पर एक सुंदर सा चेहरा बना हुआ था जिसकी दो आँखें छोटी से आईने के टुकड़े से बनाई गई थीं। तस्तरियों का आकार सिर के पूंछ की ओर घटता जा रहा था और इससे उसे रेंगते हुए सांप का आकार मिल गया था। इस भारी रचना को जमीन से ऊपर उठाने के लिए कुशल हुनर की आवश्यकता थी और वो केवल महमूद ही से संभाल सकते थे। हर किसी ने महमूद द्वारा बनाई गई विशालकाय पतंग के बारे में सुना था और यह खबर फैल गई थी कि इसमें अलौकिक शक्तियां भी थीं। नवाब की उपस्थिति में एक भारी भीड़ मैदान में इस पतंग की पहली उड़ान देखने के लिए जमा हो गई थी। पहले प्रयास में यह जमीन से हिली भी नहीं थी। तस्त्रियों ने एक निराशा भरी एक विरोधात्मक आवाज निकाली तथा सूर्य की रोशनी इसके छोटे छोटे आईने में आ गई थी जिससे कि पतंग सजीव तथा शिकायत करती हुई एक जीव सी प्रतीत हो रही थी। तब एक सही दिशा से हवा आई और विशालकाय पतंग को आसमान में ऊंचा और ऊंचा मुड़ते हुए ऊपर ले गई तथा सूर्य की चमक इसकी आंखों में अभी भी बनी हुई थी। जब यह बहुत ऊंची चली गई थी तो इसने डोर को बहुत ताकत के साथ खींचा और जो महमूद के जो युवा पुत्र थे उसे महमूद की चरखी पकड़ने में मदद करनी पड़ी थी, परंतु पतंग खिसती चली गई मानो कि उसने स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया हो और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती हो। फिर क्या हुआ इस पतंग के बारे में यह हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।